नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चौधरी टेक प्यारी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर होने लगे हैं। अब गर्मियां दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपके घर पे इस तरीके का रैकेट हो। मैक्सिमम सारे घरों में होता ही है। अगर आपके पास भी इस तरीके का रैकेट है तो हो सकता है उसकी बैटरी ख़राब हो गई हो। अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो इस तरीके से चेंज करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये 30-35 रुपए की 40 रुपए की बैटरी आ जाती है मार्केट से, और किस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है, खाली बैटरी का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ स्पष्ट रूप से। तो आप बने रहिए वीडियो में, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर हो सके तो लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओरेवा का रैकेट है हमारे पास में, और ये देखो इस तरीके से यहाँ से हम निकाल के इस ढक्कन को खोल के बैटरी निकाल लेंगे। ये देखिए बैटरी आसानी से निकल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। और ये दो वायर दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें, तो एक रेड है और एक ब्लैक है। ब्लैक वाला माइनस का है, उसमें लिखा हुआ है ये प्लस का है। वो सारे इंटेक्शन दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और अब हम यहाँ थोड़ा सा पेस्ट लगा के उस पर पेस्ट लगा के और आयरन की मदद से जो है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से इस पर भी हम पेस्ट लगा दे रहे हैं, एक ही बार में पेस्ट लग चुका है। अब हम सोल्डर की मदद से इस तार को हटा लेंगे। देखिए थोड़ा कम गर्म है ये, लेकिन ये तार निकल जाएगा, ये हट गया आसानी से। जैसे गर्म हो जाएगा वैसे आप इसको आसानी से हटा पाओगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। ये देखिए दोनों तार हट चुके हैं। इस पुरानी बैटरी को हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद में न्यू बैटरी जो है हमने जो खरीदी है उसे प्लस और माइनस देखने के बाद में प्लस वाले तार को जो रेड तार है उसे यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ये सोल्डर और आयरन की मदद से जो है आसानी से हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये दोनों तार हमने जोड़ दिए हैं और इसे हम उसी तरीके से इसमें रख देंगे। हमने पूरा कवर लगा दिया है और पूरा क्लियर कट हो चुका है। अब रैकेट हमारा स्टार्ट है।